सभी दोस्तों का स्वागत है फिर से। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मजे में ही होंगे। तो चलिए हम लोग आज आपको लेकर आए हैं CST स्टेशन से, आपको आज हार्बर लाइन का सफर तय कराने वाले हैं। दोस्तों मुंबई की हार्बर लाइन लाइफ लाइन लौट आई है, जो कि एक साल तक ट्रेनें बंद थी और वापस से सफर शुरू हो गया है। हालांकि सभी लोगों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है दोस्तों। तो चलिए, ये हम लोग पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और यहां से टिकट लेते हैं और यहां से हम गोरेगांव तक का सफ़र तय करेंगे। दोस्तों ये टिकट काउंटर है, यहां पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से हम लोग अपना सफ़र शुरू करेंगे। ये आप यहाँ का स्टेशन देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत, जैसे चर्च गेट का है वैसे ही CST स्टेशन है। और हम आपको लेकर जाएंगे दोस्तों गोरेगांव। तो चलिए शुरुआत करते हैं सफ़र की छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से। हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ से अब हम आपको सब बताते जाएंगे कौन कौन से स्टेशन बीच में आएंगे, उन सब स्टेशनों के बारे में आपको बताते जाएंगे दोस्तों। और यहाँ से पहला जो स्टेशन आएगा दोस्तों वो आएगा मस्जिद। मस्जिद बंदर के नाम से वो जाना जाता है, मस्जिद आएगा। और ये आप पूरा मैप हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, मस्जिद से जैसे वडाला रोड, वडाला रोड से फिर हम लोग जाएंगे ये लेफ़्ट में क्रॉस करके किंग सर्किल, किंग सर्किल से अंधेरी, अंधेरी से गोरेगांव। ये मैप में जैसे दिखा रहे हैं मस्जिद बंदर से वडाला, वडाला से उधर, ये पूरा हम लोगों ने मैप भी डाला हुआ है। और बीच बीच में आप पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से स्टेशन आएंगे दोस्तों। तो ये लीजिए दोस्तों, हम लोग ये पहुँच चुके हैं मस्जिद। पहला स्टेशन CST टर्मिनल से जैसे ही निकलते हैं तो मस्जिद पड़ता है उसके, और बहुत ही खूबसूरत बसा हुआ है ये हार्बर लाइन दोस्तों। कहीं ऊपर है ब्रिज बना हुआ है, नीचे डेप्थ है, ब्रिज के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, तो बहुत ही आनंद आने वाला है। चलिए हमारे साथ में, आप भी ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ में सफ़र कर रहे हैं दोस्तों। ये CST की जितनी भी ट्रेनें हैं दोस्तों, ये जितनी भी राजधानियां हैं सब यहीं पर खड़ी होती है। और ये देखिए, ये स्पेशल ब्रिज बना हुआ है ऊपर जाने के लिए, एक जो ट्रैक है वो सीधा चले जाता है, जैसे नासिक जाना हो और दूसरी जगह पर अगर आपको खोपोली जाना हो, करजत जाना हो, टिटवाला जाना हो, तो वो दूसरा ट्रैक है। और ये हार्बर लाइन का ट्रैक है दोस्तों। ये जितनी भी ट्रेनें हैं यहाँ पर पार्क की जाती है, जैसे गाड़ी पार्क की जाती है वैसे ट्रेनों की पार्किंग यहाँ पर की जाती है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें CST टर्मिनल से बनकर चलती है। भले ही आपको कलकत्ता जाना हो, बिहार जाना हो, या इंडिया के किसी भी कोने में अगर आपको जाना हो। और हम लोग पहुँच चुके हैं दूसरे स्टेशन सैंडहर्स्ट रोड। बड़ा ही अजीबोगरीब नाम है दोस्तों स्टेशनों के भी, आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा कभी इस तरह के नाम। लेकिन चलिए मुंबई घूमते रहिए हमारे साथ में, हम लोग आपको सफ़र तय कराते रहेंगे। और ये साइड में सामने जो आप ये ब्रिज देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्रिज कंटिन्यू चेंबूर से स्टार्ट होता है ये जो रोड है, और कंटिन्यू विदाउट सिग्नल आप CST टर्मिनल आ सकते हैं चेंबूर से। ये स्पेशल फ्लाईओवर बना हुआ है दोस्तों, बहुत ही समय के पश्चात ये बना था और बहुत आसानी हो गई है लोगों को, चेंबूर से सीधा डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं रे रोड। जी हाँ दोस्तों, ये रे रोड के नाम से प्रख्यात है ये स्टेशन। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पुराने मील्स जो है बंद हो चुके हैं, और जो मील्स बंद हो चुके थे दोस्तों इस तरह से उनको पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि मुंबई में अभी कोई भी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, ज़्यादातर मुंबई के बाहर सबको शिफ्ट कर दिया गया है पर्यावरण को देखते हुए भी।
मुंबई इसीलिए तो सुरक्षित है दोस्तों। ये हम लोग पहुंच चुके हैं कॉटन ग्रीन्स। जी हाँ दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म कॉटन ग्रीन्स का आया है और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये CST जा रही है, ये हार्बर लाइन इस ट्रेन के ऊपर लिखा हुआ था। और ये साइड में ये रेलवे ट्रैक और ये जो ब्रिज है कंटिन्यू, ये ब्रिज हमें दिख रहा है। और इसके पश्चात हम लोग पहुंच चुके हैं शिवडी। जी हाँ दोस्तों, कॉटन ग्रीन के बाद में आता है शिवडी। शिवडी और ये यहाँ की खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। मुंबई में जो है ये हार्बर लाइन जो है लास्ट में खोपोली तक भी जाती है, कर्जत भी आप जा सकते हैं, कसारा जा सकते हैं। तो ये हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन, तीन लाइन मुंबई में चलती है। वेस्टर्न लाइन जो कि है, आप चर्च गेट से विरार क्या दहनु तक का सफ़र तय कर सकते हैं। चर्च गेट से बैंड्रा, अंधेरी और बोरीवली और विरार अगर आपको जाना है तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये ब्रिज बना हुआ है। और ट्रेन ऊपर से जा रही है, एक ट्रेन नीचे से जा रही है, एक ट्रेन ऊपर से जा रही है। ट्रेनों के लिए भी अद्भुत ब्रिज यहाँ पर बने हुए हैं दोस्तों। और इसके आगे एक स्टेशन के बाद में जो ट्रेन का ट्रैक है लेफ्ट में हो जाएगा, ये किंग सर्किल। हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों किंग सर्किल। इससे पहले वडाला था, वडाला से पहले ही ट्रैक थोड़ा चेंज हो गया था। किंग सर्किल के बाद में दोस्तों ये हम लोग बस अब पहुंचने वाले हैं ये माहिम जंक्शन। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न लाइन पे भी माहिम आता है, सेंट्रल लाइन पे भी माहिम आता है और हार्बर लाइन पे भी माहिम आता है। माहिम जो है इसीलिए जंक्शन के नाम से ये जाना जाता है। और माहिम के बाद में दोस्तों ये बैंड्रा, इसे मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये हम लोग पहुंचने वाले हैं बैंड्रा स्टेशन। और बैंड्रा की खूबसूरत बिल्डिंग्स को आप लोग ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार शानदार। वाकई मुंबई हर एक इंसान का सपना होता है कि मुंबई में आए, और मुंबई में आए तो वो किस तरह से घूमे ये हम आपको बता रहे हैं। ये बैंड्रा आ जाता है, बैंड्रा के बाद में जो जो भी स्टेशंस आएंगे उन सब को हम बताएंगे दोस्तों। ये बैंड्रा, यहीं पर सलमान खान, शाहरुख खान और बड़ी बड़े अभिनेता यहाँ पर रहते हैं। उसके वीडियो हमने ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में डाल रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल रखा है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रैक ब्रिज बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने 3-4 वीडियो के लिंक डाल रखे हैं। ये खार रोड हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें कि आप फिल्म सिटी घूम सकते हैं और सारे एक्टरों के घर घूम सकते हैं। 4 वीडियो के लिंक हम लोगों ने हर उसमें डालते हैं दोस्तों, ताकि आप मुंबई की सारी फिल्म सिटी घूम लें, सारे एक्टरों के घर घूम लें। और मुंबई की बहुत ही अद्भुत वीडियो हम लोगों ने बना रखा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो उसमें आपको सारा जायज़ा हो जाएगा और आपको बड़ा ही आनंद आएगा। यूँ लगेगा कि जैसे घर बैठे बैठे आप पूरे सभी के घर देख लिए, आपने सारे एक्टरों के घर देख लिए। तो यहाँ और ये हम लोग अब पहुँच चुके हैं दोस्तों सांता क्रूज। बैंड्रा के बाद में खार, खार के बाद में सांता क्रूज। और सांता क्रूज ये दोस्तों, ये यहीं से आप ये देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट यहीं से जितने भी प्लेन हैं यहीं से टेक ऑफ किए जाते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत, इसके बाद में विले पार्ले आएगा। जो दोस्तों विले पार्ले का नाम, वहाँ पर पार्ले की बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है, इसीलिए विले पार्ले को पार्ले के नाम से जाना जाता है। ये लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं ये विले पार्ले। और विले पार्ले में फैक्ट्री होने के कारण इसके बाद में वो फैक्ट्री आएगी दोस्तों, सॉरी। और ये पहले विले पार्ले स्टेशन आ जाता है, अंधेरी और विले पार्ले के बीच में।
वो पार्ले फैक्ट्री आती है, तो हम उसको भी करीब से आपको दिखाएंगे। रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास में ही स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये लीजिए, ये विले पार्ले की फैक्ट्री सामने आप देख सकते हैं। पार्ले बिस्किट आप लोग बचपन से खा रहे होंगे ना। जी हाँ दोस्तों, पार्ले जी, ये सामने जो फैक्ट्री बनी हुई है, ये पार्ले जी फैक्ट्री है पूरी, और बहुत इसीलिए इसका नाम विले पार्ले के नाम से जाना जाता है। और बस हम लोग बस जल्द ही आपको लेकर अंधेरी पहुंचने ही वाले हैं। और तो ये लीजिए, हम लोग अंधेरी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अंधेरा तो नहीं है, लेकिन इसका नाम अंधेरी पता नहीं कैसे रख दिया भाई, समझ में नहीं आता। और कोई बात नहीं, ये अंधेरी का स्टेशन आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जोगेश्वरी आएगा, फिर गोरेगांव आएगा। तो चलिए चलते चले चलते हैं आगे, और पूरा सफ़र का आप आनंद लीजिए। इससे क्या है, आपको पता चलता है अगर आप मुंबई में आते हैं तो कहाँ से, अगर हमें सीएसटी से अपना गोरेगांव आना है, अंधेरी आना है, बांद्रा आना है, तो कैसे आना है, ये सारी बातें आप लोग जान सकते हैं। ये हम लोग जोगेश्वरी स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, और जोगेश्वरी स्टेशन से अब निकल चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स, यहाँ पर बड़े बड़े कॉल सेंटर्स के ऑफिसेज यहाँ पर बने हुए हैं। ये सामने की बिल्डिंग्स को आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत है यहाँ पर। और इसके पश्चात हम लोग बहुत ही जल्द आपको लेकर पहुंच जाएंगे बस इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, और हम लोग बस ये राम मंदिर स्टॉप है। इसके बाद ये राम मंदिर का स्टेशन जो है अभी एक साल पहले ही बना है दोस्तों, एक दो साल पहले ही। और इसके पश्चात जो है, क्योंकि हम लोग स्लो ट्रेन से आ रहे हैं, मुंबई में आप ट्रैवल करते हैं तो फास्ट ट्रेन भी है और स्लो ट्रेन भी है। फास्ट ट्रेन ये पूरा वेस्टर्न रूट है दोस्तों, ये वेस्टर्न लाइन पे हम लोग आ चुके हैं। सेंट्रल लाइन का हम लोग कमिंग वीडियो में आपको बताएंगे कि कसारा करजत कैसे जाया जाता है। जब भी हालांकि ट्रेन में सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये भी हम लोगों ने दोपहर में समय निकाल कर आप लोगों के लिए ये शूटिंग की कि हाँ भाई, हमारे दर्शकों को पता चले कि हर इंसान तो अपने बाइक पे या फिर फोर व्हीलर में सफ़र नहीं कर सकता है। मुंबई की लाइफ लाइन है दोस्तों ये। और ये हम लोग बस पहुंच चुके हैं, ये गोरेगांव स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, हमारा सफ़र आज यहीं तक का था। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, इसमें अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नए हो तो सब्सक्राइब करिए, जो पुराने हैं वो तो कर ही रखा होगा, क्यों भाई, करा है कि नहीं। और ये हम लोग स्टेशन पर उतर चुके, और ये आप यहाँ का टिकट काउंटर गोरेगांव स्टेशन का ऊपर की साइड बना हुआ है, हार्बर लाइन के ऊपर। अगर आपको टिकट लेना है तो आप, अगर आपको वेस्ट में टिकट लेना है तो ऊपर आकर आपको टिकट लेना पड़ेगा। ईस्ट में, अब हम आपको ईस्ट में लेकर चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है दोस्तों ये, अभी जितने भी मुंबई के जो प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत बना दिए गए हैं। और कैसा लगा दोस्तों वीडियो, ये ज़रूर लिख भेजिएगा। और हमारी तो यही इच्छा रहती है कि मैं बचपन में जब हम भी सोचा करते थे कि हम मुंबई जाएंगे तो यार कैसे कैसे रहेंगे, कैसे रास्ते हैं, कैसे पता चलेगा, ये सारी जानकारियाँ मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाता हूँ कि हमारे दर्शकों को कोई परेशानी ना हो अगर आप वो मुंबई में आते हैं। और ये हम लोग गोरेगांव स्टेशन उतर कर हम लोग जा रहे हैं ईस्ट में। ईस्ट में ही गोरेगांव में ही फिल्म सिटी स्थित है, जो कर्म भूमि है दोस्तों। और ये आप पूरा गोरेगांव का दृश्य आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने आपको बताया है कि लिंक हम लोगों ने 3-4 वीडियो के डाल रखे हैं, उसको ओपन करिए, पूरा मुंबई घूमिए, आनंद करिए, मौज करिए। तो दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं ऐसे ही सुनहरे और मनोहर सफ़र पर।